2007 के इस टिकट टॉक में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो सामान्य मानवीय क्षमता से परे लगता है। देखिए, किसी तरह वह आदमी डंप ट्रक को ऊपर उठाकर साइड में ले जाता है, जिससे दूसरे वाहन को गुजरने का मौका मिलता है। इस अद्भुत कारनामे को अंजाम देने में उन्हें जरा भी पसीना नहीं आता। औसत डंप ट्रक का वजन 20 से 32 टन के बीच होता है। हालांकि किसी इंसान द्वारा अब तक सबसे अधिक वजन उठाने का विश्व रिकॉर्ड सिर्फ 3 टन से अधिक है। यह रिकॉर्ड 1957 में पॉल एंडरसन द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को विश्व रिकॉर्ड से कम 6 गुना वजन उठाने की आवश्यकता होगी। अपनी बाहों के एक झटके के साथ इसकी संभावना कम ही लगती है, खासकर उस पतले दिखने वाले आदमी के लिए जिसे हम क्लिप में देख रहे हैं। तनाव के समय में लोगों में उन्मादी ताकत के महान पराक्रम करने में सक्षम होने के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस स्थिति में भी 20 टन वजन उठाने से मानव शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो क्या हम कोई अतिमानव देख रहे हैं, या यह सब सिर्फ CGI है? यह सामान्य ज्ञान है कि मेंढक अपना जीवन कृमि जैसे टैडपोल के रूप में शुरू करते हैं, जो पानी में तैरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस परिवर्तन को उल्टा होते देखा है? इंस्टाग्राम फ्रॉग्स फैम के इस वीडियो में कुछ उल्टा विकास प्रतीत होता है, जो दर्शकों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा मेंढक उछल कूद कर रहा है। आगे ये छोटी सी क्लिप बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। मेंढक फुटपाथ पर बैठ जाता है और चलना बंद कर देता है। ये सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। कैमरा ऑपरेटर करीब आता है, जिससे हमें जीव का नजदीक से दृश्य दिखाई देता है। चमत्कारिक ढंग से फुटपाथ पर जो पड़ा है वह बिल्कुल भी मेंढक नहीं है, बल्कि यह फुटपाथ पर छटपटाता हुआ एक साधारण केंचुआ प्रतीत होता है। फुटपाथ पर छलांग लगाने वाला प्राणी निश्चित रूप से मेंढक जैसा लग रहा था। तो यहां क्या हुआ? हैरान करने वाले दृश्य ने इस क्लिप को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है, जिसमें हजारों लोग इस विचित्र परिवर्तन में चित या पट बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दर्शकों को लगता है कि यह सिर्फ आंखों का धोखा हो सकता है, शायद मेंढक अपने मुंह में कोई कीड़ा ले जा रहा था। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि यह स्ट्रेंजर थिंग्स का बेबी डेमोगोर्गन था। दूसरों ने इसे मैट्रिक्स में एक गड़बड़ी, सिमुलेशन में एक त्रुटि घोषित किया है, जिसने गलती से जानवर के अवतार को बदल दिया है। तो आप इनमें से किस थ्योरी को मानते हैं, या क्या आपके पास अपना कोई विचार है जो फुटेज के इस विचित्र अंश को समझा सकता है? हमें कमेंट में बताएं। यह अगली क्लिप सुपर क्षमताओं वाले एक और इंसान को दिखाती है। इसे लेबर गैंग रॉन मोशिगो द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। वीडियो में दिखाया गया है कि यह कोई समारोह है, संगीत और गायन चल रहा है, और समारोह के सेंटर में उस व्यक्ति को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई है। ये समझने में देर नहीं लगती कि ऐसा क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जमीन से कई फुट ऊपर मंडरा रहा है। सबसे पहले वह एक लापरवाह स्थिति में लेटा हुआ है, जैसे कि उसे सीधे लेटे हुए जमीन से उठा लिया गया हो। फिर वह चारों ओर घूमना शुरू कर देता है, हवा में सीधा खड़ा दिखाई देता है, फिर अपने सिर के बल पलटता हुआ दिखाई देता है। समारोह दिन के मध्य में बाहर होता है, सूरज तेज चमक रहा है, और तेज रोशनी किसी भी छिपे हुए तार को रोशन नहीं करती है जो आदमी को ऊपर उठाने में मदद कर सके। इसके अलावा आसपास ऐसा कोई पेड़ या संरचना नहीं है जिससे उसे लटकाया जा सके, जिससे यह कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि यह अद्भुत कारनामा कैसे नकली हो सकता है। कुछ विश्वास प्रणालियां हैं जो दावा करती हैं कि ध्यान जैसी प्रथाओं का उपयोग करके लोग आश्चर्यजनक चीजें हासिल कर सकते हैं जो सामान्य मानवीय क्षमता से परे हैं। तो क्या यह आदमी इसी तरह उड़ने की अद्भुत शक्ति हासिल कर सकता था? वीडियो दोबारा देखें और खुद फैसला करें। एक बच्चा कुत्तों के झुंड के साथ खेल रहा है। ऐसा लगता है कि यह घटना केवल एक सुखद वीडियो ही बन सकती है। दुर्भाग्य से क्व्यू माया द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया एक वीडियो इस सटीक स्थिति को दर्शाता है, और यह सामान्य से बहुत दूर है। इस क्लिप ने कई दर्शकों को भ्रम में अपना सिर खुजलाने और कुछ अन्य संभावित सिद्धांतों के बीच मैट्रिक्स में गड़बड़ी का दावा करने पर मजबूर कर दिया है। क्लिप में हम एक छोटे बच्चे को गली में खुशी से दौड़ते हुए देखते हैं। उसके आसपास कई छोटे कुत्ते दौड़ रहे हैं जो बच्चे की तरह ही खुश लग रहे हैं। क्लिप देखें और देखें कि क्या आप कुछ भी अजीब देख सकते हैं।
यदि हम बच्चे के बाईं ओर के वीडियो में कुछ सेकंड के लिए एक और नजर डालें तो एक लाल और नीली गेंद अचानक जमीन पर दिखाई देती है। बच्चा गेंद की ओर दौड़ने से पहले उसे देखने के लिए घूमता है और उसका निरीक्षण करने के लिए नीचे बैठ जाता है। जब गेंद पहली बार सामने आती है तो वह थोड़ा घूम रही होती है, लगभग ऐसे जैसे किसी ने उसे लात मारकर फ्रेम में डाल दिया हो। यदि किसी व्यक्ति या कुत्ते ने इसे गिरा दिया होता तो यह उछल जाता या उससे कुछ अधिक हरकत करता। एक दर्शक ने सुझाव दिया कि शायद हवा ने इसे गली में उड़ा दिया, लेकिन मूल रूप से गेंद कहां से आई होगी। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे वीडियो में अभी भी मौसम था, तो यह क्या हो सकता है अगर यह हवा नहीं है? मैट्रिक्स में गड़बड़ी, कैमरे की बहुत चतुर चाल या कुछ और? संभावनाएं वास्तव में अनंत लगती हैं। सैमी डी घर पर अकेली होती है जब वह किसी खौफनाक चीज को कैमरे में कैद करती है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सैमी ने कुछ असामान्य चीज कैद की है। काम के दौरान सैमी एक कमरे के अंदर जाता है और इसे कैद कर लेता है। यदि आप ध्यान से सुने तो आप सुन सकते हैं कि किसी के रोने की आवाज़ कैसी है। ये धुंधला है, लेकिन ये वहाँ है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सैमी को एक बार फिर कुछ बेहद खौफनाक चीज़ का सामना करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से सैमी डर गई थी, लेकिन सबसे परेशान करने वाली घटना वह थी जो हाल ही में उसके घर के अंदर घटी थी। निम्नलिखित घटित होने पर सैमी अकेली होती है। पिछले वीडियो की तरह ही कोई चीज दरवाजे पर तब तक पीटती रहती है जब तक सैमी उसे खोल नहीं देता, और पहले की तरह वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो का सबसे अजीब हिस्सा ये नहीं है, पेंट्री का दरवाजा खोलने पर। यदि आप ध्यान से सुने तो आप सुन सकते हैं कि कोई मदद के लिए फुसफुसा रहा है। दर्शक यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि सैमी काम से घर कुछ लाया था, जो अब खुद ही जग जाहिर हो रहा है। लेकिन निसंदेह हमेशा की तरह यह सिर्फ एक सिद्धांत है। आप क्या सोचते हैं? फर्नांडो विक्टर एक रेलवे स्टेशन पर काम करता है। वह वहां विशेष रूप से क्या करता है ये अज्ञात है, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, फर्नांडो की शिफ्ट हमेशा देर रात की होती है। हालांकि यह देर रात की पाली में से एक के दौरान था जब फर्नांडो ने कैमरे पर कुछ भयानक कैद कर लिया। फर्नांडो और दो अन्य कर्मचारी एक ऐसी ट्रेन के पास चल रहे हैं जो गति में नहीं है, तभी अचानक वह बिना देखे ही इसे पकड़ लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति फर्नांडो को रिकॉर्ड करते समय हेय दृष्टि से देख रहा है। आपको क्या लगता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का भूत हो सकता है जो रेल दुर्घटना में शामिल था या कुछ और? एलिन मेलबा एक डॉक्टर के पास जाने के लिए जा रही है और वहां जाने के लिए एक पार्क के माध्यम से शॉर्टकट ले रही है। यह वीडियो स्वीडन में सर्दियों के समय का है, इसलिए दिन के समय ज्यादातर अंधेरा रहता है क्योंकि वह अस्पताल जा रही होती है। एलिन अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कुछ बेहद खौफनाक चीज कैद करने वाली है। दर्शकों द्वारा यह बताए जाने के बाद ही एलिन ने इस पर ध्यान दिया था।
ऐसा प्रतीत होता है कि एक पेड़ के पीछे से कोई आकृति एलेन को झांक रही है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कौन या क्या हो सकता है, लेकिन दर्शकों को लगता है कि यह कोई भूत हो सकता है। जो भी हो, एलेन संभवतः इस पर कब्जा करने के बाद से एक अलग रास्ता अपना रहा है।